लखनऊ में हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर्स लगाए गए थे और सीए हिंसा में पोस्टर पर अदालत का ये बड़ा फैसला आया है, दीवारों से हटाए जाएंगे पोस्टर्स और होर्डिंग। नीलांशु, क्या कहा अदालत ने? देखिए सही, अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो होर्डिंग्स लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर लगे हुए हैं, जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तस्वीर, उनके नाम, उनके पते दिए गए और साथ साथ उनसे क्या रकम वसूलनी है उसका भी विवरण दिया गया है, उन पोस्टरों को तत्काल हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था और कल संडे को इस मामले की हेयरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह कोर्ट में आए थे और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था। साथ ही क्या क्या हटा लिए जाएंगे सारे पोस्टर नीलांशु जो लगे हैं और कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से मिल पाई है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ तौर पर ये आदेश है कि पोस्टरों को हटाया जाए और 16 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और इससे पहले सरकार को ये पोस्टर हटाने हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक ये बड़ा झटका है और अब देखना होगा कि पोस्टर हटाने की कार्रवाई सरकार कब शुरू करती है। बहुत धन्यवाद नीलांशु। हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी दे रहे थे। लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में बड़ा फैसला अदालत ने दिया है और वो फैसला ये कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के जो पोस्टर लगाए थे फोटो के साथ, वो अब हटाए जाएंगे। ये इसके साथ क्या नीलांशु अदालत ने कुछ और भी कहा है? ये गलत है, इस तरह से नहीं लगा सकते। अदालत ने खास तौर से क्या कहा पोस्टर लगाए जाने पर? देखिए सईद, अभी पूरा ऑर्डर नहीं आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, लेकिन कल जो इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो एक तरीके का अन्यायपूर्ण तरीका अपनाया गया है और उन्होंने साफ तौर पर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं सुजीत पांडे, डीएम अभिषेक प्रकाश से जवाब मांगा था कि किस कानून के तहत इस तरह से होर्डिंग्स लखनऊ में लगाई गई हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों के नाम, पते और उनकी फोटो लगाई गई है, साथ ही साथ उनसे कितनी रकम वसूलनी है इसका भी विवरण दिया गया। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है इस पूरे मामले में कि जो लखनऊ में बीते साल 19 दिसंबर को हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें सरकारी और निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का आकलन लखनऊ प्रशासन द्वारा किया गया था जिसका नुकसान हुआ था और 53 प्रदर्शनकारियों जिनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे उनसे ये रकम वसूलनी है। तो फिलहाल कोर्ट का साफ तौर पर यह आदेश है कि इन होर्डिंग्स को हटाया जाए और ये होर्डिंग्स लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर सहित लगी हुई हैं। ये जो पोस्टर हैं इसको हटाने के लिए कोई समय सीमा और कोई ऐसी बात जो सरकार को कही या सिर्फ अभी भी सिर्फ जवाब मांगा है कि पोस्टर हटाइए और बताइए कि किस नियम के अनुसार आपने पोस्टर लगाए, कुछ और जानकारी मिल पाई है या सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए कल सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह दलील दी गई कि जिस तरह से लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिस तरह से पुराने लखनऊ में हिंसा हुई, पुलिस वालों को टारगेट किया गया, कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, एक कड़ा मैसेज देने के लिए लखनऊ प्रशासन ने यह कार्रवाई की। ये दलील राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। खुद एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे लेकिन बार बार कोर्ट यही पूछ रहा था कि किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाया गया। और आपको बता दें कि सैटरडे की रात को इस मामले का स्वतः संज्ञान खुद चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं उन्होंने लिया था। कल छुट्टी के दिन संडे को इस मामले की 2 बार सुनवाई हुई। तो फिलहाल कोर्ट का रवैया इस पूरे मामले में काफी सख्त है और 16 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई है लेकिन साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि इन होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए। क्या कहा है इसके अलावा अदालत ने कि तुरंत हटाने के अलावा, और जो सरकार के बारे में कोई ऐसी बात जो पोस्टर पर जिन लोगों के फोटो हैं उनकी तरफ से कही गई हो, क्या कुछ हुआ और अदालत में? नीलांशु सही सईद हमारे साथ वकील मौजूद हैं जो बात कीजिए प्लीज। कोर्ट फैसला सुना रहा था, वे अंदर मौजूद थे। आप बताइए क्या नाम है आपका और अंदर क्या हुआ? मैं सैयद अहमद नसीम एडवोकेट
और इसमें कल जो कि सीए एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे देश में प्रदेश में, तो लखनऊ में जो उपद्रव हुआ था वहां पर उपद्रवियों की फोटो राज्य सरकार द्वारा जो लगाई गई थी सड़कों के किनारे, जिसमें उनके नाम, उनके पते, उनकी सुकूनत दर्ज की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था। और कल संडे के दिन स्पेशल कोर्ट लगाई गई थी जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर साहब और माननीय रमेश सिन्हा साहब की पीठ ने सुनवाई की थी। उसी वक्त एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह के सामने ही कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह से ये जो है आम नागरिक के निजता का, के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये किसी नागरिक का आप अपमान कर रहे हैं। अभी जब विवेचना चल रही है तो किसी की फोटो लगाकर सार्वजनिक करना ये सरासर गलत है। किस प्रावधान में सरकार ने जो है इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है जिसपे महाधिवक्ता ने यह कहा था कि साहब चूंकि उपद्रवियों के मनोबल को गिराने के लिए, उनके मॉरल को डाउन करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है, इस पर कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये पोस्टर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो विधि के विरुद्ध है और सारे पोस्टर को तत्काल हटाने के लिए आदेश किया है। साथ ही साथ लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को ये आदेश किया कि ये पोस्टर हटवाने के बाद 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में अपनी आख्या को प्रस्तुत करेंगे। तो 16 मार्च को आख्या प्रस्तुत करनी है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और डीएम अभिषेक प्रकाश को। और जैसा कि जो वकील अंदर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि तत्काल इन पोस्टरों को हटाने के आदेश इलाहाबाद। धन्यवाद दिलांशु, आप बने रहिए और बातचीत आपसे करेंगे हम। लेकिन अदालत का ये बड़ा फैसला इस वक्त आया है और हिंसा में शामिल 53 उपद्रवियों के पोस्टर चिपका दिए गए थे। सरकार की तरफ से ये पोस्टर चिपकाए थे वसूली के लिए, लेकिन इस पर जबरदस्त राजनीति भी पिछले दिनों हो रही थी। हमने किसी भी मामले में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जनता की गाड़ी कमाई की एक पाई भी अगर पर कोई अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे कठोरतम सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार का मनमाना फैसला, योगी सरकार के योगी आदित्यनाथ अपने मत से संविधान चलाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से राज्य सरकार चलेगी। मानव अधिकार का खुला उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश पर जंगल राज है, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये सरकार के दामन में दाग है, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने होर्डिंग्स लगा रहे हैं।